हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन विद राजेश। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। प्रेस बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम जो है देखेंगे कि कैसे हमारे जो ओपन पॉडकास्ट डायरेक्टर है उसके ट्रांसमीटर और रिसीवर की वायरिंग कैसे की जाती है, उसका अलाइनमेंट कैसे किया जाता है टेलीस्कोप से। ये सब चीज़ें जो है आज इस वीडियो में सीखेंगे। देखिए, ये हमारा जो है वहाँ से ट्रांसमीटर दिख रहा है और ये हमारा रिसीवर है। ठीक है, रिसीवर में जो है हमारे वायरिंग कैसे किए जाते हैं। टोटल चार वायर होते हैं, एक्चुअली आते तीन वायर है और एक लूप करके यूज़ किया जाता है। जैसे पहले और तीसरा का लूपिंग किया जाता है, पहला और दूसरा जो है इनपुट पावर सप्लाई 18 से 32 वोल्ट के लिए यूज़ किया जाता है, और चौथा जो है जो लूप पावर ये हमारा होता है आउटपुट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, 0 से 20 वोल्ट आउटपुट, उसके लिए चार नंबर यूज कर लेते हैं। तो पहला जो है और तीसरा लूप कर देते हैं, दूसरा और तीसरा हमारा जो है ये रहता है इनपुट पावर सप्लाई के लिए। देखिए, यहाँ मैग्नेट से हम रिसेट कर रहे हैं। रिसेट क्यों किया जाता है, एक्चुअली जीरो कैलिब्रेशन करने के लिए जो है हम एक बार ट्रांसमीटर को मैग्नेट से रिसेट कर सकते हैं या तो हार्ट कम्युनिकेटर से रिसेट कर सकते हैं। तो देखिए, ये प्रोसीजर है कैसे हम मोड्स चेंज करते हैं मैग्नेट को। उस पर जो है घुमा करके टोटल तीन बार घुमाया जाता है और उसके बाद जो है ये लाइट स्टेबल हो जाता है। लाइट अगर स्टेबल होने के 20 सेकंड के बाद जो है हमारा ग्रीन आता है तो हमारा ट्रांसमीटर हेल्दी हो गया। अगर ग्रीन नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांसमीटर अनहेल्दी ही रहेगा। तो ये इसमें हो सकता है अलाइनमेंट का इशू हो सकता है या वायरिंग कनेक्शन का इशू हो सकता है या कहीं ना कहीं से कोई फॉल्ट आ सकता है जिसकी वजह से ये हमारा लाइट LED जो है रेड ब्लिंकिंग कर रहा है। नहीं तो अदरवाइज अगर हेल्दी कंडीशन में रहता तो ये ग्रीन ब्लिंक करता। देखिए, अभी रेड ब्लिंक कर रहा है। तो इस पूरे अलाइनमेंट के बारे में हम आपको बताएंगे। ये हमारा रिसीवर है, रिसीवर की वायरिंग और ट्रांसमीटर के। ये ट्रांसमीटर देख रहे हैं QTU C312। ये एक्चुअली 312 क्या दिखाता है, ये लॉन्ग रेंज का ट्रांसमीटर है। इसका जो है मिनिमम मेजरमेंट कितना मेजर करेगा, ये मिनिमम 35 मीटर। लेकिन यहाँ हमारा ट्रांसमीटर रिसीवर के बीच का डिस्टेंस अप्रॉक्स 15 से 18 मीटर होगा। तो ये क्या है कि ये इसके लिए सूटेबल नहीं है हमारा रिसीवर, इसी वजह से जो है फॉल्टी में है, प्रॉब्लम्स यही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग मॉडल के लिए, ट्रांसमीटर के अलग अलग मॉडल के लिए कितना दोनों के बीच डिस्टेंस होना चाहिए वो दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, ऐसे मैं आपको बता दूँ कि शॉर्ट रेंज के लिए 5 से 20, मीडियम रेंज के लिए 15 से 40 और लॉन्ग रेंज के लिए 35 से 60 मीटर के बीच का उनके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ अलाइनमेंट करते हैं। ये हमारे चार एलंकी होते हैं, दो हॉरिजेंटल मूव के लिए और दो जो है वर्टिकल अप एंड डाउन मूव के लिए। चारों को लूज कर देते हैं जब अलाइनमेंट करने जाते हैं तो, और उसके बाद जो है ये हमारे जो टाइट करने के लिए, जैसे फाइन टाइट अगर हमको अप डाउन करना है या लेफ्ट राइट करना है तो वो स्क्रू जो हमारा दिया हुआ है उसको जो है हल्का हल्का माइनर घुमा करके हम रोटेट कर सकते हैं। देखिए कैसे ये रोटेट हो रहा है। और ये है हमारा जो टेलीस्कोप, देखिए हमने फिक्स किया हुआ है। टेलीस्कोप से कैसे हम लाइन ऑफ साइट बेस पे जो है अलाइनमेंट करते हैं। एक्चुअली जब हमारा अलाइनमेंट करेंगे तो ये हमको ये देखना है, ध्यान रखना है कि जो क्रॉस उसमें दिखाता है ब्लैक कलर का आपको दिखेगा एक क्रॉस, वो क्रॉस एग्जैक्टली सेंटर में आना चाहिए, तब जो है हमारा जाके जो है अलाइनमेंट परफेक्ट होता है। अदरवाइज जब तक सेंटर में नहीं आएगा तब तक हमारा अलाइनमेंट सही नहीं होगा। और ट्रांसमीटर की वायरिंग की हम बात कर रहे थे, ट्रांसमीटर केवल दो वायर दिया जाता है पावर सप्लाई के लिए, तो उसमें जो है टर्मिनल एक और दो में टर्मिनेट कर देते हैं जिसके वजह से हमारा वो कम्युनिकेशन उससे पावर जो है हमारे ट्रांसमीटर को मिल जाता है। और रिसीवर के लिए मैंने देखिए यहाँ सेंटर में जैसे ब्लैक जो दिख रहा है ना ब्लैक क्रॉस, वो हमारा एकदम एग्जैक्टली सेंटर में आएगा तो हमारा अलाइनमेंट परफेक्ट होता है। इस तरह से हम अपने ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों का जो है अलाइनमेंट करते हैं। जब अलाइनमेंट सेंटर में आ जाता है तो हमारा अलाइनमेंट वाला इशू सॉल्व हो जाता है। दूसरा चीज़ होता है इसमें रिस्ट्रिक्शन वगैरह का, तो कोई भी बीम ब्लॉकेज या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन इसके बीच नहीं आना चाहिए। ठीक है, वो ऑब्स्ट्रक्शन आएगा जैसे हम ट्रबल शूट में आपको दिखाएंगे कि कैसे ऑब्स्ट्रक्शन आता है, तो हमारा LED जो है रेड ब्लिंक करना शुरू कर देता है और ऑब्स्ट्रक्शन हटाते हैं तो हमारा LED परफेक्ट हो जाता है। देखिए, अभी हम अलाइनमेंट कर रहे हैं और हैक्स की हम जो एलंकी होता है हम लूज करके रखते हैं एकदम एग्जैक्टली सेंटर पे लेने के बाद हम एलंकी को क्या कर लेते हैं, टाइट कर लेते हैं उसी पोजिशन पर ताकि वो फिर इधर उधर मूव ना करे। देखिए, अभी अलाइनमेंट लगभग हमने कर लिया है। अलाइनमेंट करने के बाद एग्जैक्टली हम LNK को जो है, जो चार LNK हमने लूज किया था वो चारों को
एक एक करके सब टाइट कर देंगे सेम पोजीशन पे, ताकि जो है कोई फिर से जो है मूवमेंट ना हो और हमारा अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट में ना चला जाए। ठीक है, इस तरह से हम कंप्लीट वायरिंग और इंस्टॉलेशन करते हैं। और उसके बाद जो है इंस्टॉलेशन करने के बाद तब हमारा रिसीवर जो है क्या करता है, डिटेक्टर से जो ट्रांसमीटर से जो भी बीम्स इमिशन इमिट होती हैं उसको जो है परफेक्टली लेता है। और हमेशा जो है हम अपने जो हमारा जो है विंडो होता है ग्लास विंडो, उसको हमेशा क्लीन रखना होता है ताकि हमारा डिटेक्टर परफेक्टली काम करे। इस तरह से हम अलाइनमेंट और वायरिंग करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल इंस्ट्रूमेंटेशन विद राजेश। प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियोज। थैंक यू।